हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12th क्लास मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सीरीज का नाम ही आपको पता ही है, जीरो टू हीरो, यानी कि बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करना है और हम लोग को टॉप तक जाना है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिफिनीशंस को देखते हैं कि डिफिनीशंस क्या है इसकी। तो डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो गाइज, इसमें जैसे कि पिक्टोरियल फॉर्म्स में हमने एक दिखाया है कि 2x² को एरो से दिखाया गया है कि अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 4x, और 4x को इंटीग्रेट कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 2x², यानी कि अगर 2x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x, और 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2x². इसको सिंबल कैसा करते हैं? तो ये इंटीग्रेशंस का सिंबल है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ऐसे ही हम सिंबल करते हैं। और फॉर्म हमेशा d/dx का होता है। चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ देखते हैं, और वो ये है कि दो तीन हमने फंक्शन लिया है और इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) इज इक्वल टू 2x² + 7 को, तो हमें मिल जाएगा f', यानी कि d/dx को d/dx। अगर ये फंक्शन f(x) है तो इसको हम f'x लिखते हैं, ये आप पिछले क्लासेस में जान चुके हैं। तो f(x) इज इक्वल टू, जहाँ x है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x, लेकिन ये कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह g(x) है, जो g'x, ये डिफ्रेंशिएट होगा 4x हो जाएगा, लेकिन -8 ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह h'x, यहाँ पे जब लेंगे तो 4x हो जाएगा और 1/2 ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम लोगों डिफिनेशंस में बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब अगर हम 4x को इंटीग्रेट करें, 4x को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ देखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, ये टर्म्स हमेशा लगा रहेगा ताकि हमें पता चलेगा किसके टर्म्स में हमको इंटीग्रेट करना है, और ये हो जाएगा 2x², मतलब यहाँ फंक्शन f(x) था, तो ये इंटीग्रेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f'x, तो ये आएगा फंक्शन x, और यहाँ के अनुसार ले ले तो ये आ गया 2x², तो ये +7 जो है, +7 जो था वो कहाँ गया? हम तो कह रहे हैं कि इनवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो 4x आया, 4x को इंटीग्रेट किया तो 2x² आ गया, लेकिन ये +7 कहाँ चला गया? तो +7 कहाँ गया, इसको जानने के लिए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस में ये दो तरह का होगा, और एक पहला होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होगा डिफिनिट इंटीग्रेशंस। अब ये किस तरह का होगा, तो पहले इसको सिंबल से समझ ले, फिर इसकी हम, जब ये हमने जैसा यह लगाया था 4x को, तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अगर ये सिंबल सिंपल है, जैसे कि मान लो कि ऐसा ही है, हम ऐसा ले लेते हैं 4f(x) dx,
तो ये टर्म्स कहलाएगा इंडिफिनिट, ऐसा अगर सिंबॉलिक समय मिला तो ये कहलाएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यहीं अगर ऐसा मिला ए टू बी, यानी कि रेंज मिल जाएगा लोअर केस पे ए और अपर केस पे बी, और इस पे एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए इंटीग्रेशन रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इंटीग्रेशन रूल्स अलग अलग नहीं होगा, एक ही तरह का, मतलब एक जो हम लोग लॉ यूज करेंगे वो इनडिफिनिट के लिए भी होगा और डिफिनिट के लिए भी होगा। लेकिन फ़र्क क्या आएगा, तो फ़र्क आएगा कि जैसे यहाँ से 7 गायब हो गया था, -8 गायब हो गया था, रिवर्स करने पर नहीं आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस है कि जब हम इंडिफिनिट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस सी, जिसमें सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा और उसका कोई रेंज नहीं होगा, वह एक्स के वैल्यू के अनुसार शिफ्ट होगा। जैसे कि अगर इस तरह के वैल्यू रखा जाए तो +7 आ जाएगा, -8 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। डिफिनिट में क्या होगा, डिफिनिट में ये सी नहीं रहेगा और ये डिफ्रेंशिएट तो वैसे ही होगा, डिफ्रेंशिएट तो वैसे ही होगा, लेकिन ये इसमें सी नहीं रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये मिलेगा फंक्शन एफ डैश एक्स ए टू बी, क्योंकि इसको रेंज दिया है कि इसका फंक्शन ए से बी पे ही वेरी करेगा, और इसको इक्वल टू में लिखेंगे, रिजल्ट इसका होगा एफ वी माइनस एफ ए, ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को क्या क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। और वो टर्म्स है फोर, यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन फोर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो टर्म्स था वो कहलाएगा इंटीग्रैंड, ये टर्म्स कहलाएगा इंटीग्रैंड, और ये एफ जैसा नहीं होता है, ये ऐसा सिंबल होता है, एफ नहीं लगता, तो ये कहलाएगा इंटीग्रल साइन, और यहाँ पे सी जो आएगा वो कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से ये टर्म्स डिफाइंड होंगे, और ये हमेशा जो होगा डी एक्स के फॉर्म में, डी एक्स करने का मतलब कि एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो अगर डी टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होगा तो डी टी होगा, वाई के टर्म्स में होगा डी वाई होगा, यू के टर्म्स में होगा डी यू होगा। तो इस तरह से इस टर्म्स को हम डिफाइंड करते हैं। अब आते हैं कि आखिर इसको सॉल्व करके कैसे निकालेंगे, तो वो सॉल्यूशंस के टाइप्स को हम देखेंगे, कितने टाइप्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में देखेंगे, और अभी हम लोग केवल इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस को देखेंगे, डिफिनिट को सॉल्व हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशंस टाइप्स है वो अलग अलग नहीं है, दोनों में एक ही तरह का होगा। सिचुएशन क्रिएट उसका जो होगा, एक में सी आएगा एक में नहीं आएगा, एक रेंजड होगा एक रेंज अनरेंज होगा। ठीक है, सिंपल सा होगा। तो चलिए टाइप्स देखते हैं। तो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में पहला टाइप्स है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीसरा टाइप है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, चौथा टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, और पांचवा टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन चाहे जो भी है। ये सारे हम लोग फर्दर आगे वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग
इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस में, तो उसमें दो अलजेब्रिक टर्म्स दिए होंगे, जैसे कि हमने लिया कि एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। इस तरह का टर्म्स हमेशा गिवन रहेगा, दो टर्म्स गिवन रहेगा अलजेब्रिक टर्म्स, और उसमें से एक टर्म जो होगा दूसरे टर्म्स का डिफरेंशियल कोफिशियंट्स होगा, वो थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, लेकिन वो उसका डिफरेंशियल कोफिशियंट से रिलेटेड होगा, और दूसरा वो फंक्शन होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एफ एक्स है इसको पुट कर देंगे, इसके बदले में कुछ ऐसा ले लेंगे जो इसके बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे कि हमने ये पुट कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू यू, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो ये मिलेगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। अब क्या होगा कि ये जो टर्म्स है एफ डैश एक्स डी एक्स वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके साथ, डी यू के साथ, और एफ एक्स जो हमने लिया है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यू। तो हमारा जो टर्म्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एफ एक्स की जगह आ जाएगा यू, और एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी यू, सिंगल टर्म्स में हो जाएगा, और हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और उसके बाद क्या करेंगे, ये यू की जो वैल्यू है यू की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा यू इज इक्वल टू है एफ एक्स, तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ये कैसे आया, तो अपने बुक में आप निकालिए, और आपके बुक में फॉर्मूले दिए गए हैं बहुत सारे, उस फॉर्मूलों को देखिए। अब भी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, जैसे कि ले लेते हैं फंक्शन को एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो ये मिलेगा एक्स और एन में वन प्लस हो जाएगा, यानी पावर में वन प्लस कर देंगे, और उसी जितना पावर बनाएंगे उसी से डिवाइड भी कर देंगे और प्लस सी। ये फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया है, तो ये यू था पावर वन था, तो वन प्लस वन टू हो गया, टू से डिवाइड हो गया, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो आप अपने बुक्स में जो भी बुक्स रखे हैं, सब बुकों में फॉर्मूले दिए गए हैं, वो सारे फॉर्मूले को एक जगह कर लीजिए, बार बार पेज न पलटना पड़े आपको, और उसको याद भी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं याद होता है तो भी आप उसको जब भी बनाते हैं पेज अपने सामने रखें, एक पेज पे सारे फॉर्मूले को लिख लें और उसको करें। देखिए ऐसा है कि हम केवल यहाँ पे आपको बोला है ना कि जीरो से हीरो बनाने वाले हैं, तो हम केवल नहीं है कि क्वेश्चंस यहाँ कर देंगे और थोड़ी सी भाषण दे देंगे, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट आपका कर देंगे, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। हम वो सारी बेसिक से बेसिक छोटे से छोटे टर्म्स को बताएंगे, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि अभी आप याद नहीं कर पाते हैं तब क्या करना है। जनरली तो ऐसा होगा कि आप रिमेंबर कर ही लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स में पहले तो करना ही पड़ेगा हमको, लेकिन जब तक अभी शुरुआत करते हैं तब तक के लिए आप सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख लीजिए, और जब भी क्वेश्चन बनाइए फॉर्मूले को एक पेपर को उसको सामने रखिए, और बनाते बनाते भी याद हो जाएगा, उसको याद करने की कोशिश भी करते रहिए, ताकि जब हम लोग कंप्लीट हों इस पे कॉन्फिडेंस में आए तो उस वक्त हमें सारे फॉर्मूले याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूले के, और जैसे जैसे जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा वहाँ आपको बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट पे अब आते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करके तब देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो ये क्वेश्चंस किसी के बुक का होगा, हमको याद नहीं है किस बुक से है, किसी न किसी बुक से होगा,
लेकिन इसके लिए हम आपको बोलेंगे कि आप ये ना देखेंगे कि किस बुक से करना है, जो बुक आपके पास है, जो बुक है उससे आप कीजिए, उसमें का क्वेश्चंस पूछिए, हमारा क्वेश्चंस मिलेगा ही। हो सकता है कि मैं जिस बुक के क्वेश्चंस को कर रहा हूँ वो आपके बुक में ना हो, तो ये क्वेश्चन मिलेगा। फिर अलग अलग बुक्स वाले बच्चे भेजेंगे हमको, वो करेंगे, सभी का सभी से मैच हो जाएगा, आप सभी लोग कोऑपरेशन में हो जाएंगे, नौ एक दूसरे को जानते हुए भी। अपना अपना क्वेश्चन भेजिए, सभी का क्वेश्चन एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है कि इंटीग्रेट द अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अभी हमने कहा कि दो आएगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशंस है, इसलिए यहाँ दो तो नहीं आया, लेकिन एक ही टर्म्स है। अगर डायरेक्ट हम इसको करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला हमें तब भी होगा जब वो सिंगल टर्म्स में होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या पुट करने वाले हैं, तो इसको हम टी पुट करने वाले हैं, पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। और जब भी पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंशियल कोफिशियंट्स का टर्म्स यानी कि इंटीग्रल टर्म्स दिया रहता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम टी के टर्म्स में फॉर्म करते हैं एक्सप्रेशंस को, तो हमारा डिफरेंशियल कोफिशियंट डी टी होना चाहिए। तो उसको इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों टर्म्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हम तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ए हो जाएगा, बी जो है वो जीरो हो जाएगा, इजक्ल टू डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इजक्ल टू डी टी। ऐसा हमने करके आपको दिखा दिया कि हर जगह हम इधर ही डी एक्स लेंगे, डी टी और चाहे जो भी यू लिया रहेगा तो उधर लेंगे, तो ये डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिखा दिया कि ये कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते आ जाता है। अब क्या हो गया हमारे पास कि ये जो डी एक्स है इसको कन्वर्ट करने के लिए केवल डी एक्स है उधर, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो जाएगा। तो ये डी एक्स डी टी बाई ए में कन्वर्ट हो गया, और ये ए एक्स स्क्वायर जो है ए एक्स प्लस बी ये टी में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा एक्सप्रेशंस है वो क्या बन गया, तो एक्सप्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, और अंडर रूट है तो वन बाई टू, और ये हो जाएगा डी टी बाई ए जिसको हम लिखेंगे ए, और ये हो जाएगा टी वन बाई टू डी टी। और देखिए एक चीज़ और वहाँ पे छूट गया हमको, ये यहाँ पे बता देते हैं कंसेप्ट में, आपको एक और चीज़ जान लेना चाहिए क्योंकि जब जीरो से चलना है तो सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। जैसे कि ए को हमने बाहर निकाला, तो अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट और फिर फंक्शन होगा डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं सी एफ एक्स डी एक्स, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा कोई फंक्शंस अलग अलग है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, तो इस फंक्शंस को आप अलग अलग इंडिविजुअली लिख सकते हैं उसके साइन से रिलेट करते हुए। वो क्या लिख सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। तो उसी का ये फर्स्ट वाले का उपयोग करते हुए जो ये वन बाई ए कांस्टेंट था इसको हम लोगों ने बाहर ला दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा कि वन बाई ए, और पीछे मैंने कहा कि कौन सा हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एक्स एन वाला, यानी कि जो पावर होगा वो वन उसमें ऐड हो जाएगा, वहीं डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया टी वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन। और देखिए इस क्वेश्चन में सारा हम एक एक प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है दिखा दे रहे हैं, बाकी हर जगह हम इसको डायरेक्ट लेंगे। जैसे कि ये वन बाई टू
प्लस वन है, इसको डायरेक्ट हम जोड़कर 3/2 लेंगे, क्योंकि जोड़ने पे आने वाला है, तो आगे के क्वेश्चंस में हम इस तरह से लेंगे, ताकि वीडियो भी छोटा होगा, आपका समय भी बचेगा और आप समझ भी पाएंगे। इसलिए पहले में हम सारे डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है, और दूसरे में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे दूसरे के बाद से। तो ये वन प्लस सी भी होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/a और टी के पावर 3/2 डिवाइडेड 3/2 प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a और टी 3/2 प्लस सी। तो ये टी के टर्म्स में निकला, और हमारा जो इक्वेशन था, एक्सप्रेशन था, वो एक्स के टर्म्स में था, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। टी को हम लोगों ने लिया था ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a/3, और ये टी की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और इसका पावर है 3/2 प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि अब जैसे कि ये 3/2 है, ऐसा ऐड करके नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपका समय बचेगा और आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप बना रहे होंगे, तो वो क्वेश्चंस हमको कमेंट्स कीजिए, हर वीडियो में मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बाकी हमें आपकी मर्जी, आगे का जो भी प्रोसेस है, शेयर लाइक या सब्सक्राइब्स, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चंस हमको भेजिए, हम आपके क्वेश्चंस बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि आपका जो भी समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचे, ताकि हम जो अपने ये सीरीज चला रहे हैं जीरो टू हीरो, हम सबको ऐसा बना पाए। अपनी अपनी समस्याएं हमको भेजिए। चलिए इसमें क्या पुट करेंगे, तो इसमें हम पुट करेंगे कि एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसी को पुट कर लीजिएगा, और वहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर था, तो कई बार इसको जो अंडर रूट रहेगा तो टी स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, और कई बार नहीं लेंगे, जैसे इसमें नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ले लेंगे तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं, पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू टी माइनस टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन रेडी है, x की जगह t माइनस टू, x प्लस टू की जगह t और dx की जगह dt। एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा, टी माइनस टू और यहाँ पे अंडर रूट टी मतलब 1/2 और डी एक्स की जगह डी टी। इसको सॉल्व करके पहले अंदर ले चलेंगे, तो टी 3/2, ये देखिए यहाँ 1 है, आकर ये ऐड होगा मल्टीप्लाई होने पे, तो 3/2 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने लिखा है। और डी टी ये जो पीछे बताया था कि इंडिविजुअल कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाकर 2 इधर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन टी 1/2 डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब वहीं क्या, अरे इसका अब एक्शन वाला फॉर्मूला रख देंगे, वो फॉर्मूला क्या है, तो ये टी बाई 3/2 में एक जुड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/2 और माइनस 2 इंटू टी 3/2 और यहाँ 5/2 भी हो जाएगा डिवाइड में, और ये 3/2 और प्लस सी, सबके लिए अलग अलग सी नहीं लिखेंगे, सी एक ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, तो देखिए अगर मान लें कि हमने लिखा है 2 एक 3, तो इसको ऐड करके हम डायरेक्ट एक कांस्टेंट 5 लिख सकते हैं, या माइनस करके डायरेक्ट एक कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। हमने कहा कि सी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये कुछ भी हम इसमें से दो बार तीन बार नहीं लिखेंगे, एक ही होगा, वो बाद में डिवाइड करना होगा, जहाँ सी निकालना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सी निकालना होगा, वहाँ हम लोग देखेंगे कि सी कैसे निकालेंगे। चलिए तो टी के टर्म्स में तो हमारा एक्सप्रेशन नहीं था, तो टी के टर्म्स में हम आंसर नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या आंसर देंगे,
तो हमारा आंसर हो जाएगा, टी को कन्वर्ट करेंगे पहले ये दो को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5, और टी को कन्वर्ट करेंगे एक्स प्लस टू में तो एक्स प्लस टू 5/2, ये टू ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा माइनस 4/3, और टी की जगह एक्स प्लस 2^3/2 और प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी। और केवल ये नहीं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये इजी है, जब आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, क्वेश्चंस बनाने लगेंगे अपने जो प्रॉब्लम्स हमको भेजेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, उस पर आप एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद जो आईआईटी में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं आपसे ही बनवा दूंगा। हाँ, आप बना लेंगे, इतना ईजी है, वो भी इतना ही ईजी लगेगा। और चलिए, आप केवल सीरीज पर जुड़े रहिए और आप उन क्वेश्चंस को बनाने के लायक बन जाएंगे, बिल्कुल एबल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स और √1 + 2x² dx को करना है हमें, तो क्या पुट करेंगे? बिल्कुल पहले वाले की तरह जो कॉम्प्लिकेटेड है उसी को पुट करेंगे, और यहाँ अगर हम चाहें तो टी स्क्वायर रख सकते हैं तो ईजी हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं, पुट 1 + 2x² = t². अब देखिए, जहाँ पे ऐसा कंडीशन होगा कि x की वैल्यू इधर भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तब तो हम टी स्क्वायर रखेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लंबा हो जाएगा, टी ही रखेंगे। लेकिन अगर नहीं रखना होगा तो टी स्क्वायर रखेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि रखना है कि नहीं रखना है? तो वो इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स आएगा, मतलब एक एक्स और डी एक्स ये कैंसिल होने वाले हैं, तो यहाँ रख सकते हैं। चलिए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन 2x² है ये 4x हो जाएगा, ये अपने एग्जांपल में भी हमने कॉन्सेप्ट में शुरुआत में लिया था, ठीक है। 4x हो जाएगा और dx, और यहाँ जब ये होगा तो ये पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये 2t हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि ये x dx हमें फाइंड करना है, तो x dx = 2/4 t dt, यानी कि 2 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 t dt, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ x और dx एक साथ क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, और इसको हमने t स्क्वायर रख लिया तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो एक ईजी सा आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, और वो हो गया अब इंटीग्रेशन, x और dx तो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, और यहाँ 1/2, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं, और 1/2 dt वो किसके, x और dx के चक्कर में, और 1 + 2x² t² है, और यहाँ स्क्वायर रूट्स भी है, यानी कि √t² t dt, ये हो जाएगा 1/2, और ये निकल जाएगा बाहर, तो टी एक यहाँ और एक टी यहाँ, t² dt, और इसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 × t³/3 + c, वही है एन वाला, तो ये हो जाएगा 1/6, और टी की वैल्यू रखेंगे तो वो था 1 + 2x², तो 1 + 2x² और उसका क्यूब है और प्लस सी, और ये हमारा आंसर्स हो गया। हाँ भाई, इतना ही इजी सारा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है मज़ा आ जाएगा आपको, इतना इजी लगने लगेगा कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है 4x + 2 √x² + x + 1 = dx, और इसको फाइंड करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड वाले को रखना ही है, और इसको भी टी स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम इनको उड़ाने वाले हैं। चलिए उसको रख कर देख लेते हैं, पुट x² + x + 1 = t² उसी तरह x² को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x
प्लस एक्स को करेंगे तो वन, और इधर डी एक्स इधर हो जाएगा टू टी डी टी, टू टी डी टी हो गया। अब देखिए अभी भी ये नहीं आया है ये, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ टू टू से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, यानी कि पूरे टर्म्स में टू से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये देखिए टू टू जब फोर एक्स और टू यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो टू डी एक्स इज इक्वल टू 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 जब फोर टी डी टी। ये देखिए ये फोर एक्स प्लस टू प्लस डी एक्स ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया 4t dt में, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ टी स्क्वायर पुट करेंगे और ये अंडर रूट है तो स्क्वायर कट जाएगा, t बच जाएगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या मिला, तो एक्सप्रेशंस हो गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के लिए, और फोर एक्स प्लस टू और डी एक्स के लिए फोर टी डी टी। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फोर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ से टी बाहर आया, एक टी यहाँ है तो टी स्क्वायर हो जाएगा और डी टी, ठीक है, एक टी यहाँ पे और एक यहाँ पे है। सॉल्व करेंगे तो फोर इंटू टी का पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, और टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, और टी का वैल्यू है टी स्क्वायर अगर इतना है तो टी का वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू, तो ये हो जाएंगे टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये वन बाई टू था और थ्री यहाँ पे है तो थ्री बाई टू और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ होगा, इतना ही आसान होगा। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे दो टर्म्स नहीं बन रहा है और ना ही कोई सिंपल सा टर्म्स बन रहा है, तो हम दो टर्म बना लेते हैं पहले, हमें ये रीअरेंज करने पे मिलेगा वन बाई अंडर रूट एक्स को कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। अब दो टर्म्स हो गया, एक यहाँ ये वाला और एक ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी, ये पूरा अंडर रूट नहीं है इसलिए टी स्क्वायर नहीं ले सकते, नहीं तो ये तो हटने ही वाला है, क्योंकि जब d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है वन बाई टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स, इसके लिए माइनस वन जीरो हो जाएगा, और ये डी एक्स और ये डी टी, इसको रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि टू नहीं है, वन बाई एक्स ही है, अंडर रूट एक्स है, तो वन बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि वन बाई अंडर रूट एक्स और डी एक्स ये दोनों मिलकर सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, इसको सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, टू डी टी, और रूट एक्स माइनस वन क्या सब्स्टिट्यूट होगा, टी। चलिए अब रीअरेंज करके और इस एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, क्या करना है हमें, तो हमें करना है कि अब हमारे पास मिल गया वन बाई ये इसके लिए वन बाई टी किसके लिए, रूट एक्स माइनस वन, और वन बाई रूट एक्स, वन बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी इंटू टू डी टी, ये कांस्टेंट है बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टी डी टी, इसको करना है। तो देखिए ये वाला जो हुआ था वन माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये उसी तरह से हुआ था, अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स वन बाई टू और एन वाले से हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये माइनस वन नहीं होगा क्योंकि जब ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में लगाते हैं तो वहाँ होता है कि एन जो होगा ग्रेटर देन वन इक्वल टू ग्रेटर देन सॉरी जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट होता है, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको ना लेकर ये लेंगे कि नॉट इक्वल टू माइनस वन, बाकी में हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जीरो आ जाएगा अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस वन प्लस वन, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि वन बाई एक्स एक फॉर्मूला है वहाँ पे, डी बाई डी एक्स फंक्शन वन बाई एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या कि ये वन बाई टी डी टी सॉरी वन बाई टी डी टी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स लॉग टी और प्लस सी, और टू तो पहले से ही मल्टीप्लाइड था, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू, और टी की जगह हमने क्या लिया है, लॉग टी की जगह लिया है अंडर रूट एक्स माइनस वन और प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप, मुझे लगता है कि अब आपकी कंसेप्ट जो होगी क्लियर होने लगी होगी, लेकिन इतना से ही नहीं है, इतना से ही खुश नहीं होना, ये कुछ भी नहीं है। अभी सब्स्टिट्यूशंस में भी बहुत तरह के सब्स्टिट्यूशंस है, लॉगरिथमिक का है, एक्सपोनेंशियल्स का है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का है, ये सब्स्टिट्यूशंस में भी है, रूल्स अदर अलग है, केवल सब्स्टिट्यूशंस में भी हो जो सारा आज हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम ये आखिरी क्वेश्चंस ले लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चंस है x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट x प्लस फोर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस फोर। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आया, इंटीग्रेशंस x की जगह हो जाएगा टी माइनस फोर अंडर रूट एक्स प्लस वन के लिए टी 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 डी एक्स के लिए, और जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा टी बाई टी वन बाई टू स्क्वायर रूट जो है माइनस फोर बाई टी वन बाई टू, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसको हम सेपरेट इंडिविजुअली सेपरेट कर लेंगे जैसे पीछे मैंने बताया है, तो ये हमें मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू, यानी कि ये हो जाएगा टी वन बाई टू डी टी, और माइनस फोर बाहर हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर तो ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी माइनस वन बाई टू डी टी। और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा टी वन ऐड करेंगे तो थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू माइनस फोर इंटू, जब वन ऐड करेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, तो टी वन बाई टू डिवाइडेड वन बाई टू प्लस सी। आप टी की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू रखने पे क्या मिलेगा, टी किसको लिया है, एक्स प्लस फोर को, तो एक्स प्लस फोर यहाँ टू ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस फोर पावर में थ्री बाई टू माइनस ये टू ऊपर जाएगा तो फोर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एट, और टी का वैल्यू है एक्स प्लस फोर वन बाई टू प्लस सी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो गैस हमें ये आशा है कि आपने
कॉन्सेप्ट के छोटे से पार्ट्स को हमने लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसमें का पहला टॉपिक भी शुरुआत हो गया, उसके बेसिक चीज़ें आप जान गए कि सब्स्टिट्यूशंस किसको कहते हैं और कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशंस लेते हैं। ठीक है, तो गाइस फिर से एक बार दोहराते हुए कि आप कमेंट्स करें, कमेंट्स और बाकी आपकी इच्छा पे। अगर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स में ये भी आ रहा है हमारे पास कि आप बार बार बोलते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं करेगा कोई तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। हम कहें ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मांगने से कुछ मिलता है क्या? हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप सब्सक्राइब ना करें, अपना प्रॉब्लम्स हमको भेजें, हम तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें। ठीक है, लेकिन कॉमेंट ज़रूर करें, हमारी कमियों को भी कर दें कॉमेंट्स, अगर हमें जो कमियाँ हैं हम उसको सुधारने के लिए तैयार है, क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपकी समस्याओं के लिए बनाते हैं कि आप छोटे से छोटे टर्म्स से लेकर बड़े से बड़े टर्म्स को क्लियर समझें और अपना कैरियर बनाएं। तो आपकी समस्याएं हमारे लिए सबसे ऊपर है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स आता है किसी भी क्वेश्चन से लेकर, तो वो उसको हमारे लिए प्रायोरिटी है, सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि हम आपका अगर हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप भी हमको ग्रोथ कीजिए ताकि और बेटर तरीके से हम आपको हेल्प कर पाएँ। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन उसको इसलिए बता देते हैं कि वो आपके इच्छा पे है, उसको हम नहीं आप पे दबाव डालेंगे कि आप कीजिए ही कीजिए। जैसे कि हर वीडियो में आप देखते हैं एक लाइन बोलकर बोले इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यह दबा लीजिए, नहीं, वो आपकी इच्छा पे है, वो आप कीजिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानिए, कमेंट जरूर कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस है कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस ही कमेंट्स कीजिए और हमारी कमियों को, बाकी कमेंट्स की को हमें बहुत ज़्यादा वो उत्साहित नहीं करेगी। हाँ, क्वेश्चन जो आएगा उसको हमको करने में मज़ा आएगा, आपकी समस्याएं किसी टॉपिक से लेकर भी, केवल क्वेश्चन ही नहीं, कोई टॉपिक्स भी है जो समझ में नहीं आया हो कॉन्सेप्ट्स में भी, तो उसके लिए भी आप हमसे पूछें कि वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो वो सारे कमेंट्स हमारे लिए बहुत सुखदाई होगा, मतलब उसके वो हमारे लिए हैप्पीनेस मोमेंट होगा। आपके कुछ मेरे बढ़ाई में लिख देना या मेरे लिए कुछ कह देना अच्छी सी, वो हमारे प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ, आपका जो कमेंट्स आएगा टॉपिक से, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमें ज़रूर हमारे लिए हैप्पीनेस मोमेंट होगा, हमें खुशी होगी कि आपके सवालों का हम जवाब दे पाएंगे। तो गाइस आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, चलिए, ओके, गुड बाय।